नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने से आपको आंसर समझने में ज्यादा आसान होगा, ऐसे भी मैं क्वेश्चन समझाई दे रहा हूं स्टार्टिंग से बता रहा हूं। अब देखिए ये सब ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, इसमें डायग्राम ड्रॉ करना मस्ट है, ठीक है। डायग्राम से मैं आपको आधा नॉलेज मिलेगा, बाकी आधा नॉलेज आपको सॉल्व करने के समय पता चलेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज एक सर्कल आपके पास दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में दो कॉर्ड है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो कॉर्ड एक दूसरे के साथ इक्वल भी है, ठीक है। यानी सपोज दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज वन कॉर्ड एंड दिस इज अनदर कॉर्ड इंटरसेक्टिंग ईच अदर व्हिच आर इक्वल, यानी दिस टू आर इक्वल कॉर्ड्स एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट में, इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं, टेंशन नहीं, सेंटर का पॉइंट नाम दे दो सपोज पी दे दो, चलो ओके। यानी क्वेश्चन क्या हुआ कि दो इक्वल कॉर्ड है जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट में और ये हो गया आपका सेंटर। प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है, यानी दोनों कॉर्ड से जो सेगमेंट बना हुआ है, यानी ये कॉर्ड और ये आर्क मिलकर एक सेगमेंट बनाया हुआ, आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा जो मैं इधर में शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट आपका सेगमेंट है, सेगमेंट बना रहा, ठीक है। अब ये भी पार्ट भी तो सेगमेंट में आ रहा है, अब ये पार्ट भी सेगमेंट हो रहा होगा, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है। हम देख रहे हैं अब सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट कैसे बनता है, एक कॉर्ड और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क मिलके जो अंदर में एरिया फॉर्म करता है, दैट इज योर व्हाट, सेगमेंट। ओके नाउ सी वन थिंग, दिस इज योर कॉर्ड, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज द सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो द सेगमेंट, बट सी दिस पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द सेगमेंट, दिस पार्ट इज कॉमन फॉर बोथ दिस कॉर्ड, दोनों कॉर्ड के लिए इतना पार्ट लेकिन कॉमन है आपका, ठीक है। यानी इस कॉर्ड में ये पार्ट आ रहा है, इस कॉर्ड में भी ये पार्ट आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट जी, पहले देख लो गिवन क्या है, गिवन पार्ट लिखना मास्टर में हमेशा बोलता रहता हूं, गिवन क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इतना गिवन है, दोनों कॉर्ड इक्वल आपस में, एक ही ट्रायंगल है, एक ही सर्कल है, इन्हें सर्कल इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कॉर्ड ए बी जो सेगमेंट बना रहा है, यानी कॉर्ड ए बी का सेगमेंट आप किस नाम से लिख सकते हो, अभी किस पॉइंट का नाम है वो लिखा था, अब इसको तुम ए ओ ले लो, यानी इसमें आपको दो कंडीशन को प्रूव करना है, इतना के लिए ये सेगमेंट है और इसका सेगमेंट का पार्ट हमने इतना लिया और ये चूंकि दोनों में कॉमन है तो इसका हम लोग अलग नाम लिखेंगे, ध्यान से सुनना, इतना पार्ट हमने पहले लिया ए ओ इजिकल टू डी ओ, इतना का सेगमेंट, या दरअसल मैं सेगमेंट का नंबर लिख रहा, ठीक है। सेगमेंट तो हम लोग दूसरा किसी अल्फाबेट से नहीं लिख सकते, तो कॉर्ड का मदद से हम लोग सेगमेंट को लिख सकेंगे, तो सेगमेंट का नाम हमने ऐसा नामकरण कर दिया। अब बचा है आपका ये वाला, ये अंदर वाला पार्ट, ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है आपको सेकेंड पार्ट में, यानी बी ओ इजिकल टू सी ओ, ये भी आपको प्रूफ करना है, दो कंडीशन है जो आपको प्रूफ करना है। कैसे करना है, ये आपका गिवन पार्ट हो गया, इतना पार्ट प्रूफ कर रहे हो गया, ओके पॉज करके आप नोट कर लीजिए, प्रपोज कर लो। अब देखिए ऐसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जब कभी भी हमें कुछ प्रूफ करना हो तो अक्सर हम लोग कंस्ट्रक्शन लेते हैं कुछ, तो यहां क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिंपली व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, आप लिख लो ये सेंटर है और ये कॉर्ड है, ठीक है। तो हमें क्या कर दिया, इस सेंटर से हमें परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ओके, और करस्पॉन्डिंग इस कॉर्ड के लिए भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम द सेम सेंटर, उसी सेंटर से, ठीक है। यानी आपका इस सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इस सेंटर से इस कॉर्ड पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया और हमने ओ से इस सेंटर को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, एक तो हमने पी इस पॉइंट का नाम रखो यार पी एम, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर, कॉर्ड ए बी पर, पी एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड सी डी पर, क्लियर। और लास्ट में क्या कर दिया, ओ और पी ये जो दो पॉइंट है इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो कंस्ट्रक्शन इतना जरूरी है, लिखो वी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओके नेक्स्ट वन इज योर पी एन परपेंडिकुलर ऑन
सीडी पूरा कोर्ट का नाम लिखना है एंड वी ज्वाइन व्हाट वी ज्वाइन ओपी ओपी को हमने ज्वाइन कर दिया। इतना पढ़ा तो कंस्ट्रक्शन अब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। अब प्रूफ का बात करते हैं एकदम सिंपल। हमने आधा हाथ कर दिया क्या प्रूफ करेंगे अभी देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रूफ पढ़ता आपके पास लिखा हुआ होगा देखो AO इक्वल टू CO DO दिया है AO इक्वल टू DO ठीक है। प्रूफ क्या करना था एक तो था AO इक्वल टू DO दूसरा था हमारा BO इक्वल टू CO ओके। अब देखो हमने इस ट्रायंगल को पकड़ लिया और इस ट्रायंगल को पकड़ लिया किस लिए इतना सा पार्ट को इक्वल प्रूफ करने के लिए। कितना सा पार्ट ध्यान से देख लो इतना सा पार्ट ठीक है ओके। तो हमें क्या लिख सकता है इन राइट ट्राइंगल POM ध्यान से देखना अल्फाबेट डायग्राम में ट्राइंगल POM एंड ट्राइंगल POM दोनों में से क्या मिलेगा सिंपली गिवन जो भी पॉइंट लिख रहे गिवन होता है लिख दो। अब एक थ्योरम बात में बोलते हैं पहले लिख लेते हैं जो जो गिवन है देखो ये एंगल 90 ये एंगल 90 है क्या लिख सकते हैं एंगल PMO इक्वल टू एंगल PMO बोथ आर 90 डिग्री इज द फर्स्ट कंडीशन वी गॉट फ्रॉम दिस टू ट्राइंगल में। सेकेंड वन PO इज इक्वल टू PO कॉमन है कॉमन लिख दो बात समझ आ रहा है। अच्छा इतना सा पार्ट तो लिख दिए इसको मैं पॉज देता हूं आप पॉज करके नोट कर सकते हो ओके देख लो PO इज इक्वल टू PO कॉमन हो गया। अब तीसरा क्या ले सकते हैं हम लोग कि ये जो पार्ट देख लो आप ध्यान से देखना कौन सा पार्ट बताओ PM PM यानी जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था और PM ये भी आपस में इक्वल होगा PM इज इक्वल टू PM क्यों इक्वल होगा पता है क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा था याद करो कि जब कभी भी दो कॉर्ड आपस में इक्वल है दो कॉर्ड पहले से इक्वल है और उसके ऊपर हमने सेम सेंटर से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दोनों कॉर्ड पर इंडिविजुअली एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर भी आपस में इक्वल हो जाता है। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके ऊपर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो आपस में इक्वल हो जाता है यानी थ्योरम स्टेटमेंट इतना लिख सकते हो कि द डिस्टेंस यानी ऐसा लिख सकते हो इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर्स यानी अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो उसका डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस ही है ना कॉर्ड से सेंटर का डिस्टेंस है मैंने समझाया था तो ये जो डिस्टेंस होगा आपस में सेम होगा क्लियर हो गया। अच्छा नीचे वाला पार्ट हो गया मैं पॉज देता हूं ओके आप पॉज करके नोट कर लो ओके इतना पार्ट गिवन होगा यानी हमें ये दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशन चाहिए था तो ये कंडीशन मिल गया ये इक्वल टू ये मिला अभी दूसरा मिल गया पीओ इज कॉमन तीसरा मिल गया दोनों एंगल 90 डिग्री। अब क्या कर सकता हूं यानी तीन कंडीशन चाहिए था प्रूफ करने के लिए तो तीन कंडीशन मिल गया नाउ व्हाट वी कैन राइट ट्राइंगल पीओएम इज कंग्रुएंट दिस इज अ सिंपल ऑफ कंग्रुएंट इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पीओएम बाय व्हिच क्राइटेरिया अब देखो एक राइट एंगल आ रहा है राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड ये पीओ ये हाइपोटेनस कहलाता है यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड ठीक है आर एच एस कन्वर्जेंस से प्रूव हो गया। अब इससे हमें क्या मिल सकता है पीओएम इज कन्वर्जेंट टू ट्राइंगल पीओएम ओके। अब कैसे प्रूफ कर सकते हैं प्रूफ तो हो चुका है अभी करना क्या है एमओ और एमओ चाहिए था। अब देखो एमओ इस ट्राइंगल का पार्ट है देख लो और एमओ इस ट्राइंगल का पार्ट है यानी ट्राइंगल अगर पहले से कंटिन्यूट हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होता है सो व्हाट वी कैन राइट ओएम इज इक्वल टू ओएम बाय सीपीसी ओके यानी ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया बहुत इंपॉर्टेंट यही हमें चाहिए ठीक है। अब देखो इतना पार्ट प्रूफ हो गया नाउ यूज दिस पार्ट टू सॉल्व दैट एसी इज इक्वल टू सॉरी एओ इज इक्वल टू डीओ कैसे करेंगे देखो। अब हमने एक चीज पढ़ा था कि जब कभी भी इसमें भी एक थ्योरम लग रहा है एकदम सिंपल सा है कोई कंफ्यूजन नहीं है देखो मैं एक स्टेप बाय स्टेप के बाद देख जा रहा हूं कोई परपेंडिकुलर जब एक इक्वल कॉर्ड पर ड्रॉ कर रहे हो ना यानी सिंपल एक कॉर्ड का कॉर्ड पर जब एक तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है यानी दो इक्वल हिस्सा में डिवाइड करता है क्लियर हो रहा है पहले वाला क्वेश्चन में हमने पढ़ा ठीक है यानी क्या मिला हमें सिंस
PM is equal to, PM is perpendicular on AB, it implies what? AM is equal to half of AB, हम लोग लिख सकते हैं. सेकंड मान लो, और इसके ठीक नीचे ये लिख दो कि एंड PM इस ट्रायंगल के लिए, इस कोण के लिए तो हमने निकल दिया, इस कोण के लिए PM is your perpendicular on CD. What do you get that? It means what? It means CM, or you can write DN. DN is equal to half of CD. Yeah, please sir. So now, consider AM is equal to half of AB, DN is equal to half of CD. ये पार्ट हो गया इसकी इक्वेशन. ठीक मान लो हमने इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को नहीं लिया, क्यों? ये पार्ट अगर लेंगे, इस पार्ट को अगर लेंगे तो ये पार्ट भी आ जाएगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में. क्यों? हमें इसको ही प्रूफ करना है बाद में, अलग सा इतना पार्ट को प्रूफ करना है. तो हमने इस पार्ट को नहीं लिया, ये खाली वाला पार्ट को लिया जहां पे कुछ झमेला नहीं है. यहां पे तो फिर से यहां पे पार्टीशन पार्टीशन किया हुआ है, तो हमने इस पार्ट को, इस पार्ट को प्रूफ किया. ठीक है, हाफ इतना हो गया. मैं पूछ देता हूं, ओके आप देखो इतना खत्म. अब क्या कर सकते हैं? अब देखो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, तीनों को कंपेरिजन करो तो हमें क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है? AM AB का हाफ है, DN CD का हाफ है, और OM ON आपस में इक्वल. अब AB और CD भी तो आपस में इक्वल है. सिंस AB इज इक्वल टू CD, हाफ ऑफ AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD. ये सब यस. अब AB का हाफ हमने क्या कितना निकाला, ये हमने निकाला. CD का हाफ हमने कितना निकाला, DN निकाला. क्लियर हो रहा है ना? कोई कंफ्यूजन और बात ही नहीं है. ये हो गया हमारा इक्वेशन फोर. अब वन इक्वेशन और फोर इक्वेशन को देखो. वन इक्वेशन में इतना पार्ट को इक्वल बता रहा है, और फोर इक्वेशन में कितना पार्ट को, इतना पार्ट को इक्वल बता रहा है. यानी ये आपस में ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए ना, तो एड कर दो. किसका एड करना है? एडिंग पहले समझा देता हूं. इतना पार्ट आपस में इक्वल हो गया, इतना पार्ट आपस में इक्वल. अब देखो इतना पार्ट का हम लोग ऐड करते हैं, यानी ए एम प्लस एनओ करेंगे तो हमें ए ओ मिलेगा, और एन डी प्लस एनओ करेंगे तो डी ओ मिलेगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन वन और इक्वेशन फोर में जो जो पार्ट हमें चाहिए सब मिल रहे हैं, तो ऐड कर दो एन वन एंड फोर. वी गेट व्हाट? यू गेट ए एम प्लस ओ एम इज इक्वल टू व्हाट? राइट साइड को ऐड कर दो, DN प्लस ON यहां मिल सकता है. नीचे वाला पार्ट पोस्ट दो, लिख लोगे तो पॉज करके नोट कर लेना. ओके, अब इसको प्लस करने में क्या मिलेगा देखो, फिगर से देखो. AM प्लस NO AO मिलेगा, DN प्लस NO हमें DO मिलेगा, DO मिलेगा. हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं? फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ, क्लियर. अब सेकंड पार्ट करना है. सेकंड पार्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. एक बार देखो, मैं पोस्ट क्या कर देता हूं, एक मिनट. ठीक है, इतना पार्ट हो गया, पॉज करके नोट कर लो. ओके, अब देख लो सेकेंड पार्ट के लिए. अब एबी और सीडी दोनों को आपस में निकल जाए. देखो प्रूफ करने का तरीका क्या, मैं हमेशा बताता रहता हूं कि जब भी कोई पार्ट प्रूफ करो, आधा प्रूफ करता रहना है, प्रूफ करने के समय एक बार देख लेना है फिगर में, तो आसान होता है. ठीक है, इनके सब ज्योमेट्रिकल प्रूफ. तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन था. ओके नाउ, अब ए बी से हमने क्या कर दिया, ए ओ को माइनस कर दिया, और सी डी से हमने क्या माइनस किया, डी ओ को माइनस कर दिया. अब देखो ए और डी ओ आपस में इक्वल है, अभी प्रूफ किया लास्ट थोड़ा पहले, और ए बी और सी डी पहले से इक्वल. अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री में मैंने एक चीज पढ़ाया था कि इक्वल से अगर तुम इक्वल को माइनस किया तो आंसर भी इक्वल ही आएगा. फिर से बोल रहा हूं, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. यानी इस साइड ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल था, और ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल, और इक्वल से इक्वल को माइनस किया तो क्या मिलेगा ज्योमेट्रिकली. देखो ए बी से, ए बी से ए ओ को माइनस किया तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा बी ओ, और सी डी से हमने डी ओ वाला पार्ट माइनस करते हैं, मैंने कहा सी ओ. बात समझ में आ रहा है?
हो गया आपका सेकंड नंबर। तो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर टू।